पर है सब अंडर प्रोसेस ही है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले। देख रहा है बिनो, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। देख रहे हो विनोद, पंचायत का तीसरा सीजन लगभग 2 साल के इंतजार के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू फन एंड चिल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं एंटरटेनमेंट का डेली डोज। पंचायत के तीसरे सीजन की शुरुआत शहर से होती है। फुलेरा के पंचायत सचिव अभिषेक त्रिपाठी का तबादला हो गया है और वह शहर पहुंच जाते हैं। सचिव जी के जाने की वजह से प्रधान जी यानी कि ब्रजभूषण दुबे, प्रहलाद और विकास परेशान हो जाते हैं। वे नए सचिव को ज्वाइन करने नहीं देते हैं और डीएम मैडम पर प्रेशर डालते हैं ताकि वह पंचायत सचिव अभिषेक त्रिपाठी का तबादला रोक दे। प्रधान जी और विकास की चालाकी की वजह से डीएम मैडम से मंजू देवी को डांट पड़ जाती है और फिर विधायक चंद्र किशोर सिंह यानी कि पंकज झा उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। भूषण और क्रांति देवी इस बात का फायदा उठाते हैं और विधायक की मदद से प्रधान जी पर हावी होने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सचिव जी प्रधान जी को इन सबसे कैसे बाहर निकालेंगे, ये जानने के लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस के बारे में जितेंद्र कुमार से शुरुआत करते हैं। अपने रोल को वो शुरुआत से ही बखूबी निभाते आए हैं और इस बार भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। प्रधान जी और मंजू देवी के किरदार में रघुवीर यादव और नीना गुप्ता कमाल हैं। दोनों की अपनी अलग परफॉर्मेंस तो बढ़िया है ही, साथ ही उनके बीच होने वाली नोकझोंक और लड़ाई को देखना भी काफी मजेदार है। चंदन रॉय ने भी विकास के किरदार को एकदम कस के पकड़े रखा है। प्रहलाद इस सीजन का वो किरदार है जो आपकी आंखें नम करता है। फैजल खान ने अपने किरदार के इमोशंस और पर्सनालिटी में आए बदलाव को लाजवाब तरीके से पर्दे पर उतारा है। भूषण कुमार उर्फ बनराकस के रोल में दुर्गेश सिंह को देखकर आपको गुस्सा आता है और खिसियाहट होती है, यही बताता है कि एक्टर का काम इतना अच्छा है। विनोद यानी कि अशोक पाठक हमेशा की तरह मजेदार हैं और क्रांति देवी यानी कि सुनीता राजवार मौका परस्त। विधायक हमेशा की तरह दुष्टी है जिसे देखकर आपका मन उसे कंटाप लगाने का करता है, जिसका मतलब है कि एक्टर पंकज झा ने अपना रोल बढ़िया अंदाज में निभाया है। रिंकी के रोल में एक्ट्रेस संविका थोड़ी इरिटेटिंग मगर अच्छी है। इतनी बड़ी कास्ट को संभालना, सभी को भरपूर स्क्रीन टाइम देना और पर्दे पर हमेशा अलग और फिर भी पुराने जैसे मजेदार अंदाज में किसी भी सीरीज को परोसना आसान नहीं होता है, लेकिन फिल्म मेकर दीपक कुमार मिश्रा ने यह कर दिखाया है। चंदन कुमार की राइटिंग के साथ उन्होंने न्याय किया और इसमें अमिताभ सिंह की सिनेमेटोग्राफी ने उनका पूरा साथ दिया। इस सीरीज के ट्विस्ट काफी बेहतरीन है, नए पुराने किरदारों में इसको देखना हमेशा की तरह मजेदार है। इसे देखते हुए आप हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा होते हैं और कई पलों में आपके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। सीरीज का म्यूजिक इसका मजा और बढ़ाता है। कुल मिलाकर फुलेरा गांव की यह कहानी आपका एक बार फिर भरपूर मनोरंजन करेगी। अब आइए इसके कलाकारों और रचयिताओं पर एक नजर डालते हैं। पंचायत 3 की कहानी चंदन कुमार ने लिखी है, वहीं दीपक कुमार मिश्र ने इसका निर्देशन किया है। 8 एपिसोड में बनाई गई पंचायत 3 की कहानी रघुवीर यादव यानी कि गांव के प्रधान, मंजू देवी के पति ब्रजभूषण दुबे, नीना गुप्ता यानी कि गांव के प्रधान मंजू देवी, जितेंद्र कुमार यानी कि पंचायत सचिव अभिषेक त्रिपाठी, चंदन रॉय यानी कि सचिव सहायक विकास, फैसल मलिक यानी कि उप प्रधान प्रहलाद पांडे और सानविका यानी कि प्रधान की बेटी रिंकी के इर्द गिर्द घूमती है। इस बार अशोक पाठक, सुनीता राजवार और दुर्गेश कुमार को अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था पंचायत 3 का सीरीज रिव्यू। आपको इनमें से किसका किरदार सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय।